नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, चुनाव के दौरान टीवी चैनलों की ग्राउंड कवरेज की नौटंकी कमाल की है। पुराने जमाने में कैसे ग्राउंड कवरेज की जाती थी, या सोशल मीडिया के पत्रकार आज भी ग्राउंड पर जाकर कैसी कवरेज करते हैं। रिपोर्टर फील्ड में जाते हैं, जनता की शिकायतें सुनते हैं, सरकार ने क्या वादे किए थे, उन पर कितना खरी उतरी है, इस पर जनता की राय ली जाती है। वहां के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है, ये सारी बातें पूछी जाती हैं। लेकिन आजकल टीवी चैनल के पत्रकार क्या करते हैं, या तो मंदिरों के दर्शन कराते हैं, या फिर बहुतायत में बीजेपी नेताओं के इंटरव्यू लेकर एक तरफा हवा बनाई जाती है, या फिर बीजेपी समर्थक बाबाओं को, सिंगर को पकड़ लिया जाता है जो बीजेपी का खुलकर समर्थन करे। इस तरह की ग्राउंड कवरेज की जाती है। विपक्ष के चेहरों को बहुत कम जगह दी जाती है, जनता की शिकायतें ना के बराबर ली जाती हैं। और किस तरह की नौटंकी की जाती है, कोई रिपोर्टर ऑटो से चलता है, कोई खुली जीप में चलता है, कोई महिला एंकर बुलेट से चलती हैं, और अब मामला हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया है। लेकिन चाहे आप बुलेट से चले या हेलीकॉप्टर से, जब आप जमीन पर पहुंचते हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, तो पब्लिक इस बात का एहसास करा देती है कि मीडिया अपने काम से कितना भटक गया है और जनता में मीडिया के लिए गुस्सा कितना है। अंजना अमकश्यप को एक बार फिर इस बात का एहसास हो गया। उन्होंने एक नया शो शुरू किया है जिसमें वो चुनाव की कवरेज के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचती हैं, और पहले ही शो में जनता ने गुस्से का इजहार कर दिया। अंजना अमकश्यप जब अपना हेलीकॉप्टर लेकर ऋषिकेश पहुंचती हैं और पहला ही इंटरव्यू किसका करती है, मतलब जनता की बजाय सिंगर जुबिन नौटियाल को पकड़ती हैं, उनका इंटरव्यू किया जाता है और साथ में बहुत सारे पार्टियों के नेता भी होते हैं, और वहां पर किस तरह के नारे लगाए जाते हैं अंजना अमकश्यप को देखकर, उनके सवाल जवाब देखकर पब्लिक किस तरह विरोध करती है। ये कांग्रेस कार्यकर्ता गौतम नौटियाल ने शेयर किया है वीडियो सोशल मीडिया पर, और किस तरह के नारे लगते हैं जरा सुनो। ये अंजना अमकश्यप इंटरव्यू ले रही हैं और ये मीडिया को वापस जाने के नारे लगा रहे हैं। सवाल पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, पक्षों से निस्वार्थ भावना से सवाल पूछा जाए। तो पब्लिक कहती है कि निस्वार्थ भावना से सवाल पूछे जाए। एक महिला चिल्लाती है कि अगर मीडिया सही होती तो उत्तराखंड का यह हाल नहीं होता। ये अंजना अमकश्यप का हेलीकॉप्टर यहाँ पर खड़ा है और पब्लिक नारे लगा रही है। तो पुलिस को हालात संभालने पड़ते हैं अंजना अमकश्यप को सुरक्षित रिपोर्टिंग कराने के लिए, ये नौबत आ जाती है। तो ये मीडिया की क्रेडिबिलिटी हो गई है ग्राउंड जीरो पर। चाहे आप बुलेट से चलें, जीप में चलें, ऑटो में चलें, हेलीकॉप्टर में चलें, संसाधनों से आपको इज्जत नहीं मिलती, रिपोर्टिंग से इज्जत मिलती है। हवा हवाई रिपोर्टिंग करने की बजाय जमीन के मुद्दे अगर मीडिया उठाए तो इस तरह का विरोध का शायद सामना ना करना पड़े। उसके बाद कई एंकरों को बुरा लग जाता है कि हमें गोदी मीडिया कहा जाता है, जबकि खुले आम तमाम टीवी चैनलों के कॉन्क्लेव में आपने देखा होगा कि सिर्फ कई तो ऐसे कॉन्क्लेव हुए जहां पर सिर्फ मोदी सरकार के मंत्रियों की फोटो लगाई गई, विपक्ष के किसी चेहरे की फोटो तक नहीं लगाई गई। तो एकतरफा माहौल बनाने के लिए सारा खेल खेला जा रहा है। मीडिया उन्हीं मुद्दों को ज्यादा उठाता है जिससे बीजेपी को ज्यादा फायदा हो सकता है, खासकर धर्म के मामले में ऐसे मुद्दों को प्रमुखता दी जाती है। किस एंकर ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि आपने जो मछली वाला बयान दिया था आपने तेजस्वी यादव के बारे में, जबकि नवरात्र के दौरान का वो वीडियो तक नहीं है, तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया था, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री के बयान को सब चैनलों ने प्रमुखता से दिखाया और किसी में ये कहने की हिम्मत नहीं आ पाई कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कम से कम प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए था कि प्रधानमंत्री आप अपने पद की गरिमा रखिए, इस तरह झूठे बयान नहीं देने चाहिए। जिस तरह धर्म के नाम पर, खान पान के नाम पर राजनीति हो रही है, कंगना के मान सम्मान का मुद्दा तो उठा दिया, अब राहुल गांधी को पप्पू बोल रही है कंगना रनौत और विक्रमादित्य को छोटा पप्पू बोल रही, तो कितने टीवी चैनलों ने इसको लेकर डिबेट की और कंगना से सवाल पूछा कि इस तरह की ओछी भाषा का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं होना चाहिए। तो जब एक तरफा रिपोर्टिंग की जाएगी तो इसका नतीजा है कि एंकरों को इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है। हेलीकॉप्टर से जब आप जमीन पर उतरते हैं तो जनता के गुस्से का आपको एहसास होता है कि मीडिया के लिए कितनी इज्जत बच गई है जनता के मन में। आप अंजना अमकश्यप के ऐसे विरोध को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।